हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, टूटी फ्रूटी, जो मैं तरबूज के छिलके से बनाऊँगी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए तरबूज के छिलके, हरा छिलका थोड़ा सख्त होता है पर इसे मैं पीलर की मदद से निकाल दूंगी। इस तरह से मैंने सारे को हरा छिलका निकाल दी। अब लाल वाला पोर्शन है उसे भी मैं निकाल दूंगी। अब छोटे छोटे टुकड़े में काट देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे को काट लिए हैं। अब एक बर्तन में पानी और कटे हुए टुकड़े डालेंगे। इसे 4 से 5 मिनट पका लेंगे। आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगे हैं और ये तैयार हो चुका है। अब इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। अब एक बर्तन में उबला हुआ तरबूज के छिलका और चीनी डालूंगी। अगर आप 1 कप तरबूज का कटा छिलका लेते हैं तो चीनी 1/3 कप डालेंगे। इसे ढककर चीनी का घुलने तक पकाएंगे। इसे चीनी की चाशनी में नहीं डालेंगे क्योंकि छिलके में बहुत पानी का मात्रा होता है तो चीनी आराम से घुल जाता है, और अच्छी बात कि चीनी भी कम डालना पड़ता है। अब ये तैयार है। अब इसे 3 अलग-अलग बॉल में कर लेंगे। अब इसमें मैं लाल, ऑरेंज और ग्रीन कलर मिला रही हूँ। इसे मैं 1 दिन के लिए बॉल में छोड़ दूंगी, इससे इसका चीनी का मिठास और कलर भी सेट हो जाएगा। ये देखिए, कलर सेट हो गया है। इसे प्लेट में फैलाकर मैं धूप में रख दूंगी।
इसे बीच में मैं पलट दूंगी, इससे इसका एक्स्ट्रा रस सूख गया है। अब ये तैयार हो चुका है, ये देखिए कितना कलरफुल बना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।